मेरा नाम सुनीता है और मैं प्रयागराज से हूँ। मैं इस समय 32 साल की एज है मेरी, और मेरी शादी को अभी लगभग 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। और नोवा IVF के बारे में मुझे मेरी डॉक्टर गरिमा द्विवेदी ने बताया था यहाँ आने के लिए। और मेरा क्या रहता था कि मेरे पापा की डेथ 7 इयर्स पहले हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस ज़्यादा रहता था, तो स्ट्रेस की वजह से मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बनी रही, या फिर थोड़ा बहुत थायराइड की भी प्रॉब्लम आ गई थी उसकी स्ट्रेस की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ IVF के लिए सजेस्ट किया। यहाँ मैं डॉक्टर साली मैम से मिली, जिन्होंने मुझे पूरा चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा IVF कर देती हूँ। तो फिर मेरा IVF हो गया, तो यही नोबा IVF प्रयागराज सिविल लाइन से। तो यहाँ होने के बाद मतलब उसके बाद तो सब ठीक ही रहा, और उसके बाद सारा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद धीरे धीरे करके आज 7 से 8 मंथ पूरे हो गए हैं, और ईश्वर की कृपा है। यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसा कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं किसी घर में अपने जा रही हूँ, किसी पर्सनल लोगों से मिलने जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर की कृपा से आज मुझे वो खुशी मिल गई है। हालांकि बहुत दिन से ट्राई नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी कुछ कंडीशन मेरी ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो फिर आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। आई होप आगे भी मुझे ये खुशी सामने दिखाई दे। थैंक यू।